नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑलमाइटी नेचर लाइफ ट्रेजर। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि सफ़ेद दाग या जिसे विटिलिगो या लिकोडर्मा भी कहते हैं, इसकी तादाद अब बढ़ती जा रही है। हम अगर कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसा बंदा दिख जाता है जो इस बीमारी से ग्रस्त है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आप सभी के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। इसके पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड की है सफ़ेद दागों पर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ कि जिसे फॉलो करने के बाद, मैं आपको बता दूँ कि एलोपैथी में इस बीमारी का जो है इलाज यह नामुमकिन बताया है, पर अगर आप मैंने बताई हुई टिप्स फॉलो करते हैं तो 100% जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त ऑलमाइटी नेचर लाइफ ट्रेजर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन आएगी उसे भी हिट कर दे। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, मुझे आपके कमेंट्स ज़रूर भेजें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जितना ज़्यादा हो सके इस इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो द्वारा आप शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस सफ़ेद दाग की बीमारी से हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी, आपको डेडिकेशंस दिखाने पड़ेंगे, तभी आप इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आपको डाइट भी फॉलो करनी होगी, कुछ परहेज़ करना होगा और अपने डेली रूटीन में जो है कुछ चेंजेस आपको लाने होंगे, जैसे कि कुछ खाने पीने में भी आपको चेंजेस लाने होंगे। जब हम डेली रूटीन की बात करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं जब हम सुबह उठते हैं, तो आपको क्या करना है, रात में एक किसी भी कॉपर वेसल में या कॉपर के बर्तन में आपको पानी को भर के रखना है और यह पानी आपको सुबह उठते ही खाली पेट पी लेना है। बिना मुँह धोते हुए आप इस पानी को पी लेना है। और दूसरी बात, यह दिन भर आप इसमें पानी भर के रखा करें और इसी कॉपर वेसल में का आपको पानी जो है डेली पीना है। सेकंड जो चीज़ है दोस्तों, काले चने। सफ़ेद दाग के लिए यह जो है बहुत ही अच्छे साबित होते हैं इनका सेवन करना। इन्हें रोज़ अगर आप सुबह ब्रश करके, अगर आप खाली पेट अगर इन काले चनों को अगर रात भर आप एक कटोरे में भिगो के रख देते हो, मुट्ठी भर चने आपको भिगो के रखना है। अगर स्प्राउट्स रहते हैं तो और भी अच्छा है, और आपको इन्हें चबा चबा कर अच्छी तरह से खा लेना है। रोज़ आपको यह चीज़ करनी है। अब जहाँ तक भोजन का सवाल है दोस्तों, तो जहाँ तक हो सके आप मिर्च मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल ही खाना छोड़ दें। मसाले, मिर्च या नॉनवेज जो है वो बिल्कुल भी खाना आप छोड़ दें। सादा खाना आपको खाना है। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप 6 मंथ्स तक सिर्फ और सिर्फ बेसन की रोटी और चने की सब्ज़ी, और दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, नमक आपको बिल्कुल ही नहीं के बराबर खाना है। 6 मंथ्स तक आप यह ट्राई करें, बेसन की रोटी और चने की सब्ज़ी जिसमें बिल्कुल भी नमक नहीं के बराबर हो। अगर नहीं के बराबर है तो बेस्ट है, अगर डालते हो तो सेंधा नमक आप थोड़ा सा जो है क्वांटिटी में डाल सकते हो। अगर आप यह 6 मंथ्स तक खाते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स इस सफ़ेद दागों में मिलेंगे। दोपहर के समय जो है दोस्तों, जैसे 4-5 बजे का जो टाइम होता है, तो उस टाइम में आप फ्रूट्स खा सकते हो जिसमें सिट्रिक एसिड की मात्रा नहीं है। ऐसे फ्रूट्स जैसे लेमन वगैरह, इन्हें आपको अवॉइड करना है। खट्टे फ्रूट्स को आपको टोटली अवॉइड करना है।
जहाँ तक के दागों पर कुछ अप्लाई करने की बात आती है तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बेस्ट है सफ़ेद दागों के लिए बाकुची ऑयल, या जिसे बाबची ऑयल भी कहते हैं, मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाता है ये ऑयल। तो इसे आपको सुबह, दोपहर और शाम डेली आपको अप्लाई करना है। अगर आप धूप सेकते हैं मॉर्निंग की या इवनिंग की, तो डेफिनेटली आपके दागों में जल्द ही रिकवरी नज़र आएगी। जहाँ तक के एक्सरसाइज की बात है तो मैं आपको अवॉइड करने कहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोगों की समस्या जो है सफ़ेद दाग की, वह एक्सरसाइज करने की वजह से बढ़ती नज़र आई है। तो मैं एक्सरसाइज के लिए तो आपको नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ दोस्तों, आपको डेली जो है 45 मिनट्स एटलीस्ट सुबह में या शाम में, या अगर दोनों टाइम में होता है तो आपको वॉक ज़रूर करना है। तो दोस्तों उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, स्ट्रेस फ्री रहना। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, सोचेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी दागों की समस्या बढ़ेगी। दागों की ही नहीं, स्किन रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको है तो आप जितना ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती है। तो आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें, हमेशा हंसते रहे, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, तो देखेंगे आपके जल्द ही आपके जो सफ़ेद दाग है इसमें आपको चमत्कारिक ऐसी रिकवरी नज़र आएगी। उसके बाद दोस्तों, अगर महिलाएं हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स वगैरह इनका शौक होता है, तो मैं जहाँ तक आपको बता दूँ, इन चीज़ों को आप डेली बेसिस पर यूज़ करना अवॉइड करें। जितना ज़्यादा हो सके आयुर्वेदिक चीज़ें जो है उन्हें आप अप्लाई करें, सोप हो या कोई भी अगर आप चीज़ इस्तेमाल करती हो अपने फेस के लिए या अपने बॉडी के लिए, तो जहाँ तक मैं कहूँ आयुर्वेदिक आप चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ना कि केमिकल बेस्ड चीज़ें आप यूज़ करें, क्योंकि इन सब चीज़ों का आप कंटिन्यू यूज़ करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद जो है आपकी सफ़ेद दागों की समस्या एकदम वर्स हो जाएगी। बहुत ही बुरी तरह से आप जो है इस समस्या से जूझने लगोगे, तो यह नौबत ना आने दे, और जितना हो सके खुद को जो है आप प्रोटेक्ट करें, और आप अच्छी अच्छी दिनचर्या को अपना कर इन सफ़ेद दाग की समस्या से जल्द ही छुटकारा पा लें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।